आज जो मेरे पास साथ में देख रहे हैं आप, ये सब दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम वार्ड 27 माखोपुरा की आम पब्लिक है। ये नसीराबाद रोड पर दोनों तरफ कच्ची बस्तियों के रूप में बसे हुए हैं। 25 सालों से लगभग अजमेर शहर का सारा कचरा माखोपुरा नसीराबाद रोड पर डाला जा रहा है और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक वो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। उस कचरे की वजह से हमारे क्षेत्र का वातावरण एक अजीबोगरीब केमिकली धुएं की तरह 4-5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो कभी हटती नहीं है। उसकी वजह से पब्लिक का वहाँ पर सांस लेना, खाना बनाना, खाना खाना, रहना दुश्वार हो रहा है। लोगों में अजीबोगरीब की बीमारियाँ पनप रही है, बच्चे कुपोषण की तरह पैदा हो रहे हैं और या फिर गर्भ में ही गर्भ खराब हो रहा है, गर्भ में ही बच्चा मर रहा है। इंसान तो इंसान, जानवरों में भी बच्चे गर्भ में ही मर रहे हैं और उनका जो दूध है वो केमिकल युक्त होने की वजह से, जो भी दूध का यूज करते हैं बच्चे बूढ़े, उस दूध को पीने की वजह से बीमारियां हो रही है। जानवरों का, मृत जानवरों का निस्तारण हमारे उसी कचरा डिब्बों में बिल्कुल खुले के अंदर किया जा रहा है। वहीं पर उनका काटना पीटना, उनकी चर्बी को गलाना वगैरह सब वहीं पर खुले के अंदर हो रहा है। आवारा और नर बक्षी, जो भी आवारा कुत्ते हैं पूरे सिटी के और शहर के, वो भी वहीं पर ला के छोड़े जा रहे हैं। कम से कम 100-200 की तादाद के अंदर नर बक्षी, लाल लाल आँखों के खूंखार कुत्ते वहाँ पर इस तरह से घूमते हैं। अकेला कोई भी जानवर, बच्चा, इंसान अगर अकेला अगर उस रास्ते से निकल जाता है या गाय भैंस चराने के लिए उनके हाथ में आ जाता है, पल्ले पड़ जाता है, तो वो उसका शिकार हो जाता है। इसके साथ ही आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर, पुनः ज्ञापन देकर हमारे वहाँ के कचरा डिपो को तुरंत हटाने और हमारी पानी की समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए, क्योंकि ज़मीन का पानी तेलिया हो चुका है, केमिकल वाला हो चुका है। बिसलपुर की पानी का वहाँ पे लाइन नहीं है, प्रॉपर सप्लाई नहीं है, लाइनें डली है तो वहाँ नलों में पानी नहीं है, फ्री में बिल भर रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग सीवरेज लाइन का भी फोकट में बिल भर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम करण सिंह रावत, माखोपुरा पार्षद जनप्रतिनिधि वार्ड 27 से। धन्यवाद। इसी को लेकर हम आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय को लिखित में यह ज्ञापन और चेतावनी देना है कि 5 दिनों के अंदर अगर हमें लिखित में वहाँ के निस्तारण का, जैसा हमने ज्ञापन में प्रेषित किया है, अगर उसका निस्तारण नहीं होता है तो हम इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम में से कोई भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम लोग कोई भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे।